हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वह टॉपिक है व्हाट्सएप बैन इन इंडिया। क्या व्हाट्सएप इंडिया में बैन हो जाएगा? तो यहाँ पे तो टोटली बैन होने का बात नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ फैल रहा है, जो वायरल हो रहा है, उस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि रात के 11 बजे से लेकर के रात के 11:30 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक अब इंडिया में व्हाट्सएप बंद रहेगा, व्हाट्सएप नहीं चलेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि यह डिसीजन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है। तो आपको पता होगा कि 1-2 वीक पहले यहाँ पे इंडिया में व्हाट्सएप डाउन हुआ था और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक भी डाउन हुआ था। यह सिर्फ इंडिया में ही डाउन नहीं हुआ था, यह ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में डाउन हुआ था। जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, यहाँ पे तीनों प्लेटफॉर्म में एक ही साथ 1-2 घंटे के लिए पूरी तरह से डाउन हो गया था। यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा था। और उसी समय आपको यहाँ पे इंडिया में एक न्यूज़ वायरल हुआ था कि व्हाट्सएप अब रात को 11:30 से लेकर के सुबह के 6 बजे तक बंद रहेगा या नहीं चलने वाला है। और यह हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बताया, मतलब डिसीजन लिया गया है। तो ऐसा न्यूज़ वायरल हो रहा है। तो आपने वीडियो देखा होगा यूट्यूब की, बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल इस पर वीडियो बना रहे हैं, जिसके कारण लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि यह एक फेक न्यूज़ था जिसको किसी ने फैला दिया था, और यह न्यूज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ था। और इसके और ये तो पहले सिर्फ एक नोटिस के तौर पर मतलब वायरल हो रहा था, लेकिन अब इस पर वीडियो ही बन गए हैं और यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि टोटली फेक है। इंडिया में कोई ऐसा अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है जिसमें बताया गया हो कि व्हाट्सएप रात को 11:30 से लेकर 6 बजे तक बैन रहेगा। लेकिन आपने जो न्यूज़ देखा है उसमें क्या क्या बताया जा रहा है कि अगर आपको रात को व्हाट्सएप चलाना है तो आपको 499 रुपये का रिचार्ज कराना होगा, या फिर आपको 20 लोगों को शेयर करना होगा, और उसमें से 10 ने आपकी न्यूज़ को अच्छे से देख लिया तो आपका अकाउंट एक्टिवेट रहेगा, नहीं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करा दिया जाएगा। और उसमें और क्या कहता है कि अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो आपको अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए 499 रुपये का पैक हर महीने चार्ज करना होगा। तो यही बहुत सारा अफवाह फैल रहा था, लेकिन यह टोटल फेक है। अभी तक इंडिया में कोई ऐसा डिसीजन अभी तक तो नहीं लिया गया है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन अभी यह सब कुछ नहीं है। आप रात को 1 बजे, 2 बजे या 3 बजे जब चाहें तब आप व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं, और यह टोटली चल रहा है। आप उस पर वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेज कुछ भी भेज सकते हैं, फोटो, ऑडियो मैसेज कुछ भी। यह टोटली 100% एकदम बिना फॉरम पे चल रहा है। तो यह झूठा एक फेक न्यूज़ था। तो यही एक छोटा सा न्यूज़ था जो हमें आपको बताना था। तो आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा था, आपको कन्फ्यूजन था, अगर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि व्हाट्सएप अब बैन हो जाएगा, रात को नहीं चलेगा, तो अगर आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है तो आप टेंशन से अब फ्री हो जाएं, क्योंकि यह सब फेक न्यूज़ था। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, यही एक छोटा सा न्यूज़ आपको देना था। तो अगर आपको यह न्यूज़ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में।